हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना कुछ ऐसे होम हैक्स शेयर करने वाली हूँ, जिसको अगर आप अपने डेली रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। बहुत सारे काम जो आपको मुश्किल लगते हैं, वो बहुत आसानी से झटपट से हो जाएंगे, और बिल्कुल भी टाइम लगाए ही ये काम आसानी से हो जाएंगे। तो अगर आप लोग को ये आइडिया अच्छा लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ नए व्यूअर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये है आइडिया नंबर वन। फ्रेंड, जब भी हम सुबह उठ के अपने बेडशीट को इस तरीके से ठीक करते हैं या धोई हुई बेडशीट दूसरी बिछाते हैं ना, तो कॉर्नर को हम क्या करते हैं, इस तरीके से बस फोल्ड करके अंदर की तरफ दबा देते हैं। और फिर हम जब भी इस पे बैठते हैं या बच्चे खेलते हैं तो उस पे क्या होता है, बहुत सारी सिलवटें पड़ जाती है, बेडशीट एकदम से वहाँ से ख़राब हो जाती है बिछी हुई। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा हैक्स है कि आप इस तरीके से कॉर्नर को पकड़े, थोड़ा सा टाइट से इस तरीके से पकड़ना है और वहाँ पर जो है ना आपको एक गांठ लगा देनी है। ये देखिए, गांठ हमारा लग गया है बस। तो आप इसको जो है ना इसके अंदर अपने जो आपका गद्दा है उसके अंदर इस तरीके से इसको दबा दीजिए। और फिर इसी तरीके से जो है ना दूसरी तरफ का भी मैं करूँगी, गांठ लगा दूंगी। थोड़ा सा टाइट करके लगाना है फ्रेंड, इसी तरीके का चारों तरफ से गांठ लगा करके उस गांठ को गद्दे के अंदर दबा देंगे। अब आप इस पे चाहे कितना भी लेटिए बैठिए, आपका सिलवट नहीं पड़ेगा बेडशीट में। तो आप इस तरीके का हैक एक बार जरूर मेरे कहने पे आजमा के देखिएगा, देखिएगा ये कितना ही यूजफुल हैक्स है। नेक्स्ट है फ्रेंड, जब भी हम इस तरीके से शर्ट वगैरह फोल्ड करते हैं ना, चाहे धोई हुई हो या प्रेस करने के बाद हो, तो हमेशा हमारा ऐसा होता है कि एक फोल्ड जो है ना कहीं से चौड़ा हो गया, एक फोल्ड थोड़ा छोटा रह गया इस तरीके से। तो इसके लिए एक अच्छा सा हैक्स है कि आप जो है ना इस तरीके का एक जितना चौड़ा आपको अपने शर्ट का फोल्ड रखना है उतना चौड़ा एक गत्ता काट लीजिए और बस उसको बीच में इस तरीके से रखिए और उसी के साइज से मोड़ लीजिए। झटपट से ही जो है आपका शर्ट एकदम अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। फ्रेंड, क्या होता है ना, हम इस तरीके के छोटे छोटे हैक को अपने लाइफ में जब लाते हैं डेली रूटीन के कामों में, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, झटपट से हमारा काम हो जाता है। देखिए हमारा शर्ट कितना आसानी से हो गया फोल्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड, ये पैंट को हम इस तरीके से जीन्स का हो या कॉटन का हो इस तरीके से फोल्ड करते हैं और हैंग करके प्रेस करके अपने वार्डरोब में लटका देते हैं। दूसरा, जब भी हम पैंट निकालते हैं ये स्लिप होकर के बाहर आ जाता है, तो इसके लिए भी एक हैक है। इस तरीके से आप अपने हैंगर को एक उसके पैंचा को लगाइए हैंगर में और बस इस तरीके से फोल्ड कीजिए और इसके ऊपर से दूसरा पैंचा लगा दीजिए। ये देखिए, अब आप इसको कितना भी इस तरीके से खींचेंगे ना तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, एकदम अच्छी तरीके से ये जो है लगा रहता है हैंगर के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेंड, सॉक्स हम जो फोल्ड करते हैं तो सॉक्स को फोल्ड करने के लिए भी एक हैक है। इस तरीके से एक सॉक्स के ऊपर दूसरे सॉक्स को रखेंगे एक इंच की जगह छोड़ के और बस वहां से मोड़ेंगे और इधर से मोड़ के उसके अंदर इसको इस तरीके से लगा देंगे। तो देखिए हमारा सॉक्स अच्छी तरीके से फोल्ड हो गया। आप इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे ना तो आपका दोनों पैर एक ही जगह रहेगा, इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्रेंड, जब भी हम अपने स्टॉल या दुपट्टे वगैरह को ऑर्गेनाइज करते हैं वार्डरोब के अंदर, तो जल्दी मिलते नहीं, दिखते नहीं हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है ना ये हैक है। आप एक हैंगर ले लीजिए और इस तरीके से इसको अपने हैंगर में आप लगा दीजिए सारे ही स्टॉल को। ये देखिए आपका एक ही हैंगर में ना ढेर सारा स्टॉल जो है हैंग हो जाएगा। आप इसमें चाहे तो और भी हैंग कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे चार किया है। इस तरीके से आप जब इसको हैंग करके रखेंगे ना तो आपका सारा दुपट्टा स्टॉल दिखता रहेगा और आपको आसानी भी होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड, इस तरीके के कैप को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तो ये जो है ना इसको जब भी हम इस तरीके से फोल्ड करके रखते हैं तो ये दब जाता है, इसका शेप खराब हो जाता है, या फिर बेल्ट वगैरह को ऑर्गेनाइज करना हो तो इसके लिए भी आप एक हैंगर लें और इस तरीके से बस इसका ये खोल के इस तरीके से इसको लगा दें। ये देखिए वेलक्रो को खोलते जाएं और इस तरीके से लगाते जाएं। ढेर सारे कैप को आप एक ही हैंगर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और फिर इस तरीके से बेल्ट को भी कर सकते हैं आप ऑर्गेनाइज, बच्चों के हो बड़े के हो, तो आपका एक ही हैंगर में ढेर सारा बेल्ट और कैप वगैरह ऑर्गेनाइज हो जाएगा। बस अब आप इसको अपने वार्डरोब में किसी भी जगह हैंग कर दीजिए तो आपका सारा कुछ दिखता रहेगा और अच्छे से हैंग हो जाएगा और इसका शेप भी कैप का ख़राब नहीं होगा। तो ये भी टिप आप आजमा सकते हैं, ये वाला हैक भी। नेक्स्ट है फ्रेंड,
इस तरीके से जो है ना टेबल पे हमारा सामान बिखरा रहता है, डेली नीड की दवाई है या फिर हेडफोन्स वगैरह है, तो आप यहाँ पे ना इस तरीके से प्लास्टिक की बास्केट या कार्डबोर्ड का कोई डब्बा यहाँ पे रख दे और उसके अंदर इस तरीके से अपना सारा सामान को ऑर्गेनाइज कर दे, तो ये सारा कुछ एक जगह इकट्ठा रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा और बिल्कुल भी मेश नहीं फैला हुआ लगेगा, आपका घर एकदम से नीट एंड क्लीन लगता है। छोटे छोटे टिप्स को आप अपने डेली वाले लाइफ में आजमा करके जो है ना बहुत अच्छे से अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और अपने कामों को आसान बना सकते हैं। अब देखिए जैसे ये जो है ना रिमोट वगैरह है, एसी का हो या टीवी का है, उसके लिए ये देखिए ये वाला डब्बा जो है ना मैंने शैम्पू के डब्बे को कट करके बनाया हुआ है, इसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप कार्डबोर्ड का भी कोई डब्बा काट के लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने रिमोट वगैरह को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं जिससे कि आपका हर सामान एक जगह ऑर्गेनाइज रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड ये देखिए ये पेंसिल स्टैंड है, इस तरीके से पेन वाला जो आता है स्टैंड जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं ना वो उस तरीके का है, तो बस इसके अंदर क्या करूँगी मैं इस तरीके का स्टेप लाइट जो होता है वो लगा दूंगी, चाहे राइस लाइट लगा दीजिए आप इसके अंदर, और बस इसको अच्छे से लगा करके इसको पलट के रख देना है फ्रेंड इस तरीके से। इस तरीके से पलट के रख देंगे इसको और फिर इसका जो स्विच है वो लगा देंगे बोर्ड में, और अब देखिए कितना सुंदर सा आपका एक टेबल लैंप बनके तैयार हो गया है, नाइट लैंप के जैसे बहुत सुंदर लगता है। और झटपट से आप इस तरीके का हैक जो है ना अपना सकते हैं, बहुत आसानी से ये लाइट बनके तैयार हो जाता है। अब देखिए कितना सुंदर भी लग रहा है ये लाइट, नेक्स्ट है फ्रेंड इस तरीके का जो बोर्ड में हम प्लग वगैरह लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नहीं वहाँ पे स्पेस रहता है ढेर सारे प्लग लगाने के लिए, तो हम जब भी एक को खोल के दूसरा लगाते हैं, लेकिन जिसको खोलते हैं ना उसको कहाँ रखें समझ में नहीं आता, नीचे अगर आप टेबल पे वहाँ पे रख देंगे ना तो वहाँ पे ना बहुत सारा मैस हो जाता है, कहाँ रखें इसको, आप नीचे रखिए तो वहाँ पे आपने डेकोरेशन का सामान या ज़रूरत का सामान रखा हुआ है, तो आप वहाँ पे इस तरीके का जो है ना जो हुक आता है जो डबल टेप वाला, तो आप इसको ना टीवी के पीछे या साइड में कहीं पे भी इसको जो है ना चिपका दीजिए इस तरीके से, और फिर इस तरीके के वायर कोल पकड़ के आप इसके अंदर हैंग कर दीजिए, तो वहाँ आपका अच्छे से ये ऑर्गेनाइज रहेगा। आपको जब भी वहाँ से उसको लगाना है ना वहाँ से खोलिए और दूसरे वाले इसको लगा दीजिए प्लग को, और अब इस वाले को हैंग कर दूंगी, तो देखिए यहाँ पे ना एकदम से गंद जो फैला हुआ रहता है वायर का इधर उधर वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से वो ऑर्गेनाइज रहेगा आपका वायर। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा देखिए ये बोर्ड जो है ना किचन का बोर्ड तो खासकर गंदा हो ही जाता है आयल वगैरह लग करके, और उसको साफ़ पानी से हम नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसको साफ़ करने के लिए ना बहुत आसान सा है कि आप वैसलीन ले लीजिए या फिर इस तरीके का कोई भी कोल्ड क्रीम ले लीजिए, बोरो प्लस या कोई भी कोल्ड क्रीम आप ले लीजिए, और उससे बस थोड़ा सा टिश्यू पेपर में लगा के इस तरीके से बोर्ड पे आप घिसिए, बहुत आसानी से और इजी तरीके से ये साफ़ हो जाता है, एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाता है। अच्छी तरीके से पूरे बोर्ड पे इसको लगा देंगे और थोड़ा थोड़ा सा रब करेंगे, और ये साफ हो जाएगा। अब इसको एक क्लीन टिश्यू पेपर से ही साफ कर देंगे। अब देखिए हमारा बोर्ड कितना नीट एंड क्लीन हो गया, एकदम से न्यू जैसा, बहुत आसान है इस तरीके से आपको बोर्ड वगैरह क्लीन करना। नेक्स्ट है फ्रेंड हम जब भी अगरबत्ती इस तरीके से जलाते हैं तो वो उसका जो राख रहता है ना वो अपने आसपास के एरिया को एकदम से गंदा कर देता है, तो उसके लिए हम ना इस तरीके का कोई पुराना कप ले लेंगे बच्चों का जो खराब हो गया हो, उसके अंदर थोड़ा सा आप रेत भर दें और फिर इस अगरबत्ती को उसके अंदर लगा दें, थोड़ा सा रेत को दबा देंगे जिससे कि अगरबत्ती एकदम से सीधी खड़ी रहे। ये देखिए इस तरीके से लगा दिया तो क्या होता है ये अगरबत्ती ने एकदम से सीधा यहाँ पे खड़ा होता है, स्टेबल होता है, तो उसका जो भी राख है ना वो उस कप के अंदर ही गिरता है, आसपास का एरिया एकदम से वहाँ पर का आपका क्लीन रहेगा, एकदम गंद नहीं फैलेगा, किचन में हो चाहे कहीं भी आप अगरबत्ती लगाते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड इस तरीके का जो रोल का अंदर कार्डबोर्ड का रोल मिलता है तो इसको बस छोटे छोटे पीसेस में काट लेने हैं, ये ना कलर पेपर के साथ आता है इस तरीके का रोल,
तो बस इसको इस तरीके से हमने काट लिया। अब जो हमारी नाइफ वगैरह होती है ना, उसका कवर तो ऐसे होता नहीं अगर हम मार्केट से नाइफ खरीदते हैं, तो बस इसको जो है ना अपने चाकू के ऊपर इस तरीके से लगा के रख देना है ताकि बच्चों का सेफ्टी रहे। इस तरीके से आपका नाइफ का कवर तैयार हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से झटपट से हमारे नाइफ का कवर तैयार हो गया है। नेक्स्ट है कि फ्रेंड इस तरीके से जो अपने वॉशरूम में जो है ना हमारा वाइपर होता है या पोछा का जो डंडा होता है उसको हैंग करने के लिए अगर स्पेस नहीं है तो उसको कैसे हैंग करेंगे, तो उसके लिए आप एक ना अपनी मेटल की चूड़ी ले लें और उसको बस एक जगह से इस तरीके से कट कर देंगे और इसको घुमा के एक एस जैसा बना लेंगे, बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखिए अब बस इसको आप अपने रॉड पे इस तरीके से हैंग कर दीजिए। मैंने दो बनाए थे, एक में वाइपर को हैंग कर दूंगी और एक में पोछा के डंडा को। इस तरीके से बहुत आसानी से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज जो है रख सकते हैं। छोटे छोटे हैक हैं लेकिन बहुत ही यूजफुल हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा जो वाइपर है वो हैंग हो गया है वॉशरूम के अंदर। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।